किचन आज हम बनाने जा रहे हैं डबल डेकर ग्रिल सैंडविच। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये ऑनियन एकदम छोटी छोटी जो मैंने कट करके ली है, कैप्सिकम, ये है स्प्रिंग ऑनियन, चीज जो मैंने ग्रेट करके लिया है, और ये है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, बटर, टोमेटो, ग्रीन चटनी, पोटेटो मैंने बॉइल करके लिए है, ये है क्यूकुम्बर और चाट मसाला। अभी हम सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं। बाउल के अंदर हम चॉप्ड ऑनियन डालेंगे, उसमें ग्रीन ऑनियन, कैप्सिकम। अगर आपको पसंद है तो तीनों कलर के बेल पेपर आप यूज कर सकते हैं। इसमें हम चीज, मैंने चेडर चीज ली हुई है, आप मोजरेला चीज, आपको जो पसंद है, जो चीज पसंद है वो ले सकते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार सॉल्ट डालेंगे और ये ताजा कुटी हुई ब्लैक पेपर। अभी हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरफ हम सैंडविच बना रहे हैं तो ब्रेड तो चाहिए ही। अभी हम ब्रेड के सबसे पहले एक स्लाइस लेते हैं। स्लाइस को मैंने दोनों तरफ, सब स्लाइस को मैंने दोनों तरफ बटर लगा दिया है। अभी बटर लगाने के बाद हम इसके ऊपर ये चटनी लगाएंगे। अच्छे से चटनी लगाने के बाद ऊपर हमने ये जो मिक्सचर रेडी किया है वो स्प्रेड करेंगे। मिक्सचर लगाने के बाद दोबारा हम दूसरी स्लाइस पे हम एक चटनी लगाएंगे। चटनी लगाने के बाद उसको ऐसे उल्टा रखेंगे। इसके बाद उसके ऊपर हम ये पोटेटो को मैंने सबसे पहले कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने उसको माइक्रोवेव में बॉइल किया है। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप पोटेटो बॉइल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें क्यूकुम्बर, आप इसमें बीटरूट भी ले सकते हैं। अगर आपको बीटरूट पसंद है आप बीटरूट भी ले सकते हैं, तो ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। बाद में हम टमाटर डालेंगे। अभी हम इसके ऊपर ये चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद हम और एक स्लाइस लेंगे और उसमें ग्रीन चटनी लगाएंगे। अच्छा सा लेयर रेडी हो गया है। अभी हम ये हमारा सैंडविच एक ग्रिल में रख देंगे। ग्रिल में रख देने के बाद तो हम निकाल देंगे, हमारी सैंडविच रेडी हो गई। देखो फ्रेंड्स, और बहुत टेस्टी भी है। प्लीज अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।